दोस्तों स्वागत जी सारा तो अपने यूट्यूब चैनल पी वी ज्ञान में। हाँ जी दोस्तों हाजिर हैं जी एक होर नवीं वीडियो लैके। तो दोस्तों इस वीडियो में आपे मोस्ट इंपोर्टेंट जिहड़ा कि 20 क्वेश्चन लैके आए हैं, बहुत जरूरी सवाल ने पंजाब पुलिस की भर्ती ली। सो जिहड़े कैंडीडेट पंजाब पुलिस की भर्ती तैयारी कर रहे हैं, सो इस वीडियो में जरूर देखो पूरा शुरू तो लैके एंड तक। नाल ही जेकर साडे चैनल ते नवे आए हो चैनल नूं सबसक्राइब करके ते बैल आइकन दा बटन जरूर दबायो, तां साडी आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके। क्योंकि जिवें कि तुहानूं पता असीं जिहड़ी कि पुलिस की भर्ती रिटन एग्जाम की तैयारी जिहड़ा कि करवा रहे हैं। तो बाकी वीडियोस भी चैनल में सबसक्राइब करके तो बैल आइकन बड़ा जरूर दबायो। तो चलो दोस्तों ज़्यादा समय ना लेंदे हुए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रीन के उत्ते पहला सवाल हैगा वा पंजाब दिवस कदों मनाया जाता है। सो इहदियां ऑप्शन है चार ए बी सी डी। ए ऑप्शन 1 जनवरी, बी ऑप्शन 1 फरवरी, सी ऑप्शन 1 नवंबर, डी ऑप्शन 1 मार्च। सो दोस्तों अपने माइंड के गैस करो कि इसका सही आंसर की हो सकता है। हाँ जी दोस्तों इसकी ऑप्शन हैगी है सी 1 नवंबर। पंजाब दिवस जिहड़ा वा 1 नवंबर नूं मनाया जांदा वा, तो इसकी जिहड़ी कि सी ऑप्शन राइट आंसर होवेगा। चलो दोस्तों नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। पंजाब पुलिस अकैडमी कित्थे है? सो दूजा क्वेश्चन हैगा वा पंजाब पुलिस अकैडमी कित्थे है। दोस्तों अपने माइंड के गैस करो कि इसका राइट आंसर की होवेगा। हाँ जी दोस्तों इसका राइट आंसर वा डी, डी ऑप्शन फलौर जिहड़ा कि पंजाब पुलिस अकैडमी फलौर के स्थित आ। चलो दोस्तों थर्ड क्वेश्चन वाल चलते हैं। तो तीजा सवाल हैगा वा फतेह बुरज किस जिले में स्थित है? दोस्तों तुहाडी स्क्रीन के उपर जिहड़ा कि ऑप्शन दित्तियां होईयां ने, ऑप्शन ए फतेहगढ़ साहब, ऑप्शन बी एस ए एस नगर, ऑप्शन सी रूपनगर, ऑप्शन डी अमृतसर। हाँ जी दोस्तों इसका राइट आंसर की हो सकता है जी? दोस्तों इसका राइट आंसर वा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी मोहाली दे विच जिहड़ा कि फतेह बुरज स्थित वा। चलो दोस्तों नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 ते दोस्तों चौथा सवाल आ हेठ लिखिया विचों किसनू हाकी दा मक्का कहा जाता है? ऑप्शन ए किला रायपुर, ऑप्शन बी संसारपुर, सी जबलपुर, डी दुर्गापुर। दोस्तों इसका सही आंसर की होगा? हाँ जी दोस्तों इसका सही आंसर है जी ऑप्शन बी संसारपुर। दोस्तों संसारपुर जिले में जड़ा है कि हाकी का मक्का कहा जाता वा। तो दोस्तों ये सवाल जड़ा कि बहुत इंपोर्टेंट वा, क्योंकि जिमें कि पटवारी की भर्ती ही रिटन एग्जाम होया 8 अगस्त को, वो भी यह सवाल आया सी। ते दोस्तों जिमें कि तुहानूं पता है कि ओलंपिक ने गेम्स भी हुई ने, तो हाकी दे जड़ा कि 14 प्लेयर जड़ा कि संसारपुर के ने जो कि हाकी दे विच ओलंपिक गए हैं, तो करके दोस्तों संसारपुर हाकी का मक्का कहा जाता वा। चलो दोस्तों नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 संगीतक साज काटो किस नाच नाल संबंधित है? ऑप्शन ए सम्मी, बी लुड्डी, सी गिद्धा, डी भंगड़ा। दोस्तों इसका राइट आंसर की हो सकता है? ऑप्शन डी भंगड़ा। दोस्तों भंगड़ा जिहड़ा कि संगीतक साज काटो किस नाच नाल संबंधित है? भंगड़े नाल। चलो दोस्तों नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। सरपेज की है? हाँ जी 7वां सवाल हैगा जी सरपेज की है। ऑप्शन ए गल विच पाउण वाला गहना, ऑप्शन बी पैरों में पाउण वाला गहना, सी पग के सामने लाउण वाला गहना, तो डी कान में पाउण वाला गहना। हाँ जी दोस्तों इसका सही आंसर की हो सकता है? हाँ जी दोस्तों इसका सही आंसर हैगा वा जी ऑप्शन सी पग के सामने लगाउण वाला गहना। दोस्तों जिवें कि तुसीं देखिया होंदा कि पग के उपर कई बार सतिंदर सरताज के गाने में भी वेखना कि उन्होंने पग के उपर जो कि गहना लगा होंदा वा उसनू सरपेज कहा जाता वा। चलो दोस्तों नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 7वां सवाल है जी हरबल्लभ संगीत मेला किस मंदिर में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए गीता मंदिर, बी सोडल मंदिर, सी देवी तालाब मंदिर, डी श्री कृष्णा मंदिर। हाँ जी दोस्तों इसका राइट आंसर की हो सकता है जी? दोस्तों इसका राइट आंसर वा ऑप्शन सी देवी तालाब मंदिर। तो दोस्तों यह जो मेला जलंधर च लगता है। चलो दोस्तों नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नानक शाही कैलेंडर में साल का आखिरी महीना कौन सा है? हाँ जी दोस्तों ये जड़ा कि बहुत ही आसान सवाल वा जिन्होंने देसी महीनों के नाम पता वा। तो आम तर जो कि आम ही ज़्यादातर लोगों अंग्रेजी महीना बारे पता हों वा, कई जो कि देसी महीना बारे नहीं पता हों। सो यी नॉलेज भी तुम्हें जो कि जानकारी होनी चाहिए आ। तो नानक शाही कैलेंडर में साल का आखिरी महीना हों वा ऑप्शन डी फगण। तो जेकर गल करिए नानक शाही कैलेंडर अनुसार जड़ा कि साल का पहला महीना कड़ा हों वा फिर चेत आएगा।
हाँ जी दोस्तों, नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 9, हेठ लिखिया विच्चों साहित्य अकादमी पुरस्कार जितने वाली पहली महिला कौन सी? ऑप्शन है ने ऑप्शन ए हरजिंदर कौर, बी अमृता शेरगिल, सी दिलीप कौर टिवाणा, डी अमृता प्रीतम। सो इसका राइट आंसर की होगा जी? हाँ जी दोस्तों, इसका राइट आंसर वा ऑप्शन डी अमृता प्रीतम। चलो दोस्तों नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 10, सो दसवां सवाल हैगा जी, पहली पंजाबी बोली बोलण वाली फिल्म कदों बनी? ऑप्शन है 1933, ऑप्शन सी सॉरी ऑप्शन बी 1932, ऑप्शन सी 1928, ऑप्शन डी 1932। दोस्तों इतने थोड़ी जी मेरे तो थोड़ी जी मिसटेक होगी, मैं बी ते डी ऑप्शन दोवें 1932 लिखता। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हैगा वा ऑप्शन डी बी दोनों 1932 जिहड़ा कि पहली पंजाबी बोली जाने वाली जिहड़ा कि फिल्म बनी सी। तो दोस्तों ये फिल्म हैगी सी हीर रांझा, जिहड़ी कि पहली पंजाबी बोली जाने वाली फिल्म सी बोलन वाली। चलो दोस्तों नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 11, पंजाब की कोयल किसनू कहा जाता है? ऑप्शन ए अमृता प्रीतम, बी सुरिंदर कौर, सी रणजीत कौर, डी नूरजहां। हाँ जी दोस्तों, इसका राइट आंसर की हो सकता है जी? इसका राइट आंसर वा जी ऑप्शन बी सुरिंदर कौर। पंजाब की कोयल सुरिंदर कौर नू कहा जाता है जी। चलो दोस्तों नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सब तो खतरनाक किस पंजाबी कवि की रचना है? हाँ जी दोस्तों, ऑप्शन है ऑप्शन ए शिव कुमार बटालवी, बी सुरजीत पात्र, सी बलवंत गार्गी, तो डी अवतार सिंह पाश। इसका राइट आंसर की हो सकता है जी? हाँ जी दोस्तों, इसका राइट आंसर हैगा वा ऑप्शन डी अवतार सिंह पाश, इसका राइट आंसर होगा। चलो दोस्तों नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 13, किस क्रांतिकारी ने अपना नाम राम मुहम्मद सिंह आजाद दस्या सी? ऑप्शन ए करतार सिंह सराभा, तो ऑप्शन बी बटुकेश्वर दत्त, सी भगत सिंह, डी उधम सिंह। हाँ जी दोस्तों, इसका राइट आंसर की हो सकता है जी? हाँ जी दोस्तों, इसका राइट आंसर है जी ऑप्शन डी उधम सिंह। तो दोस्तों उधम सिंह का जन्म जड़ा कि सुनाम के होया सी, सुनाम के जड़ा कि भगत सिंह सॉरी उधम सिंह जी का जन्म जड़ा कि होया सी। हाँ जी दोस्तों, चलो नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 14, 2011 की मर्दशुमारी के अनुसार पंजाब के किस जिले में लिंग अनुपात सब तो वध है? हाँ जी दोस्तों, तुसीं गैस कर सकते हो किसका राइट आंसर की होगा? ऑप्शन ए एस ए एस नगर, बी रूपनगर, सी लुधियाना, डी हुशियारपुर। हाँ जी दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन हैगी है जी ऑप्शन डी, जिहड़ा 2011 की मर्दशुमारी के अनुसार पंजाब के हुशियारपुर जिले च लिंग अनुपात सब तो वध सी। तो दोस्तों जेकर सब तो घट गल करिए आपां, तो सब तो घट जिहड़ा कि बठिंडा दे विच सी, 2011 की मर्दशुमारी के अनुसार सब तो घट लिंग अनुपात बठिंडा दे विच सी। चलो दोस्तों नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। अजोके पंजाब के पहले मुख्यमंत्री कौन सन? हाँ जी दोस्तों, इतने ऑप्शन ए हैगी गोपी चंद भार्गव, बी प्रताप सिंह कैरों, सी गुरमुख सिंह मुसाफर, डी ज्ञानी जैल सिंह। हाँ जी दोस्तों, इसका राइट आंसर की हो सकता है जी? दोस्तों इसका राइट आंसर है जी ऑप्शन सी गुरमुख सिंह मुसाफर। दोस्तों अजोके पंजाब 1966 के दोस्तों पहले मुख्यमंत्री आ अजोके पंजाब के। चलो दोस्तों नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। गाड़ी दोस्तों सवाल आ गया कि आजाद पंजाब के पहले मुख्यमंत्री कौन सन? तो जेकर आप आजाद पंजाब के पहले मुख्यमंत्री गल करिए, इतने ऑप्शन है अपने को चार, ए गोपी चंद भार्गव, बी प्रताप सिंह कैरों, सी गुरमुख सिंह मुसाफर, डी ज्ञानी जैल सिंह। हाँ जी दोस्तों, इसका राइट आंसर की होगा? इतने दोस्तों इसका राइट आंसर हैगा वा ऑप्शन ए गोपी चंद भार्गव। ये आजाद भारत यानी कि 1947 के पहले मुख्यमंत्री से पंजाब के। चलो दोस्तों नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। दोस्तों बहुत ही इंपोर्टेंट जिहड़े कि क्वेश्चन ने, तो इन्हां तुसीं ध्यान दे विच जरूर रखियो। हाँ जी दोस्तों, 17वां साल है सवाल हैगा वा, पैप्सू की राजधानी का नाम की सी? चार ऑप्शन ने, ऑप्शन ए कपूरथला, बी नाभा, सी जींद, डी पटियाला। हाँ जी दोस्तों, इसका राइट आंसर की होगा? हाँ जी दोस्तों, इसका राइट आंसर वा ऑप्शन डी पटियाला। पैप्सू की राजधानी
राजधानी का जिहड़ा कि नाम आ वह पटियाला वा पैप्सू की राजधानी का। चलो दोस्तों नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 18, पंजाब नूं ब्रिटिश राज विच मिलाउण समय पंजाब का शासक कौन सी? ऑप्शन ए महाराणी जिंदा, ऑप्शन बी महाराजा दलीप सिंह, सी महाराजा रणजीत सिंह, डी लॉर्ड कर्जन। हाँ जी दोस्तों गैस कर सकते हो इसका राइट आंसर की होगा। हाँ जी दोस्तों इसका राइट आंसर वा ऑप्शन बी महाराजा दलीप सिंह। चलो दोस्तों नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। हाँ जी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, बब्बर अकाली लहर का जन्म कदों होया सी? ऑप्शन ए 1920, बी 1933, सी 1925, डी 1921। हाँ जी दोस्तों इसका राइट आंसर की हो सकता है? हाँ जी दोस्तों इसका राइट आंसर वा जी ऑप्शन डी 1921। बब्बर अकाली लहर का जिहड़ा कि जन्म 1921 दे विच होया सी। चलो दोस्तों नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। तो अपना ये अखीरला सवाल वजदा ऑप्शन वी। दोस्तों वीवां सवाल आ जी, त्रायन की दूजी लड़ाई कदों लड़ी गई सी? हाँ जी दोस्तों बहुत आसान सवाल वा जेकर तुहानूं पता होवे ना। तो दोस्तों त्रायन की जिहड़ी कि दूजी लड़ाई, इत्थे तुहानूं ऑप्शन मिली होईआं ने 1191, बी 1192, सी 1108, डी 1105। दोस्तों गैस करो। हाँ जी दोस्तों इसका राइट आंसर हैगा वा ऑप्शन बी 1192। तो दोस्तों त्रायन की यह जी दूजी लड़ाई 1192 दे विच होई सी, ते त्रायन की जी पहली लड़ाई आ वो 1191 दे विच होई सी। हाँ जी दोस्तों यह अपने अज्ज दे जिहड़ा कि मोस्ट इंपोर्टेंट जिहड़ा कि सवाल जिहड़ा आपां तुहाडे लई लैके आए हाँ, तो बहुत जरूरी सवाल ने। तो वीडियो नूं चंगी तरह जिहड़ा कि तुसीं अपने दिमाग दे विच बहा लिओ। तो बाकी दोस्तों आपां जल्दी जिहड़ा कि होर जिहड़ा कि मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल ने वह भी लैके तुहाडे लई आवांगे। तो दोस्तों ये जिहड़ा कि तुहाडे कोल थोड़े ही दिन रह गए ने, तो 27-28 अगस्त में जिहड़ा कि तुहाडा पेपर जिहड़ा कि डेट आ रही आ। तो दोस्तों ये अपनी अज्ज दी वीडियो, तो वीडियो नूं अपने यारां दोस्तों नाल शेयर करो। तो होर इंपोर्टेंट सवालों लिए चैनल में सबसक्राइब करके तो बैल आइकन बड़े जरूर दबा लो, तो साड़ी आने वाली अगली वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके। चलो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, जल्द मिलेंगे नवी वीडियो नाल। वीडियो देखने का धन्यवाद।